बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम सबकी फेवरेट डिश शामी कबाब, ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम मटन शामी कबाब की रेसिपी आपको बताएंगे और इसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत होगी वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हमने 1/2 kg बकरे का मटन लिया है। इसमें हमने चिकनाई के साथ लिया है, यानी कि इसमें जो है फैट भी है और मटन भी है, सादे पीस है। ज़्यादा नसों वाला गोश्त नहीं लेना, इस तरह से चर्बी के पीसेस भी उसमें हैं। इसको धो के रख लिया है हमने। ये 6-7 सूखी लाल मिर्चें हैं, इसको भी हमने तोड़ लिया है और उसके बीज निकाल दिए हैं। 1 tablespoon धनिया है और 1 tablespoon ही ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है। ये 100 gram चने की दाल है, इसको हमने धो के भिगो दिया था। ये तकरीबन 1 घंटे से भीग रही है, भिगो कर ही डालना है ताकि उसके अंदर का जो दाना है वो बराबर से मुलायम हो जाए। 2 बड़ी इलायची है, 5 हरी इलायची है, ये थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा है, थोड़ी सी जायफल है और ये स्टार फूल है, थोड़ा सा है टुकड़ा वो भी लिया है हमने। दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, काली मिर्च 1 चम्मच भर के है, लौंग 8-10 हैं और 3 तेज़पत्ता है। ये मसाले हम दरदरे से पीस के डालेंगे क्योंकि हम मिक्सर में पीसने वाले हैं मसाला, तो क्या होता है कि मिक्सर में बारीक नहीं होता है और फिर बाद में खाने के दौरान में ये लौंग, कभी दालचीनी, कभी इलायची का टुकड़ा, कभी ये काली मिर्च मुँह में आती है और अच्छा नहीं मालूम होता है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, धनिया को, जीरे को भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और फिर शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है अदरक, ये 2 इंच का टुकड़ा है, लहसुन का 1 पूरा अक्खा जमा है, ये हमने 1.5 चम्मच दही लिया है, तकरीबन 50 ग्राम के करीब हमारे पास दही है, ये हमने पानी निथार के ली हुई है दही, ये भी हम शामिल करेंगे इसमें। और ये 1 प्याज है, बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मोटा मोटा हमने काट लिया है। ये सारी चीज़ें हम पकाने में यूज़ करेंगे और उसके बाद जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, हम पीस लेंगे, तब हम इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज और एक अगर चाहिए तो अदरक का टुकड़ा भी बारीक काट के उसमें शामिल करेंगे और कबाब हम उसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करके अभी कबाब बनाने वाले हैं। अब आगे का प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हमने ये मसाला जो दरदरा सा पीस लिया है, अब अभी ये कुकर लिया है हमने, कुकर में हम डालेंगे। पहले सबसे पहले गोश्त डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें चने की दाल डाल देंगे, इसी में हमको दही भी डालना है। अब ये अदरक लहसुन, अगर आप चाहो तो दरदरा इसको भी पीस के डाल सकते हो, लेकिन ये हो जाएगा, फर्क निकलेगा। प्याज भी डाल दी हमने और तेज पत्ता हमने पीसा नहीं है, तेज पत्ते को हम निकाल के फेंक देंगे। और ये मिर्चें, तो इसको चम्मच से मिक्स करना है। और इसमें तेज पत्ता हमने ऐसे साबुत ही डाल दिया है क्योंकि अगर पीस के डालेंगे तो भी टुकड़े रह जाते हैं और ऐसे अलग निकल गया तो हम उसको निकाल के फेंक देंगे। ये मसाले हमने दरदरे से कूट लिए हैं, इसलिए मतलब ये डाल देते हैं। इसमें नमक मिलाएंगे, हाथ से ही नमक हमको डालना अच्छा लगता है, ये हम डाल रहे हैं नमक, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम नमक डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे हम, लेकिन बहुत कम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल ड्राई करना है, हमको गल जाए अच्छे से, ना ही पानी हमको डालना है, ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। अगर आपके पास चिकना गोश्त नहीं हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा असली घी या तो फिर बटर डाल सकते हो। अब हम पानी डाल रहे हैं, 1 कटोरी से ही डालते हैं, हम 1 कटोरी भर के डाल देते हैं, दही की कटोरी माली, देखते हैं। ये गोश्त का भी अपना पानी रिलीज होगा और 1/2 कटोरी डाल देते हैं, यानी कि 1.5 कटोरी हम पानी डाल रहे हैं इसमें। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ढक्कन लगा के और इसको फास्ट पे रख देते हैं। 1 सीटी आने के बाद हम इसको स्लो कर देंगे और फिर 10 से 12 मिनट के बाद में गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारे ये गैस हमने ऑफ कर दी थी और हमारा कुकर भी जो है इसको अपने आप जो हमने क्या किया, ठंडा किया है और ये बहुत अच्छे से गल गया, गोश्त भी गल गया है और दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है, पानी भी इसका पूरा ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको ग्राइंड करते हैं। इसमें से तेज़पत्ता हम निकाल के फेंक देंगे
कॉफी पीस के आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये आटा जो है कबाबों का अच्छे से पीस लिया है, बारीक पीसा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसा है, और इसमें सारे गोश्त के रेशे जो है बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब क्या करते हैं हम इसमें, ये हमने प्याज काट लिया है, प्याज बारीक काटा है, बहुत बारीक महीन काटा है। अदरक को भी थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसको भी बारीक काट लिया है। दो हरी मिर्चें ऐसे भी बारीक चॉप कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये हमारे पास पुदीना है और हरा धनिया है, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये हम इसमें डाल रहे हैं, ये पुदीना और ये हरा धनिया। अब इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम अज़ा को एक जान कर लेंगे, और उसके बाद में इसकी टिकिया बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये कबाबों का आटा जो है हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मतलब अब इसको हम क्या करते हैं कि इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथ में हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, थोड़े पतले ही बनाना है, बहुत मोटे मोटे नहीं बनाना है। इस तरह से बना बना के सारे रख लेंगे हम, और फिर उसको फ्राई करेंगे। तवे पे हम चलो फ्राई करेंगे, और अंडा वगैरह हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही फ्राई करना है। सारे बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सारे कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं, और अभी इसको हम क्या करते हैं, तवा रखा है हमने, लोहे का तवा है हमारा, इस पर ऑयल डाल दिया है, और अब इसमें हम एक एक करके सारे कबाब जो तलते हैं या सेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने कबाबों की ज़रूरत होगी उतने आप सेक लें, और अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप क्या करें, उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दें प्लेट उठा के, और जब ये सेट हो जाए, मतलब थोड़े सख्त हो जाए, फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद में उसको एयर टाइट कंटेनर में या कोई ऐसे जिप बैग में रख लें, और जब आपको चाहिए जब आप उसको फ्राई कर सकते हैं। आँच हमको बहुत स्लो करनी है इसकी, और उसको धीमी आँच पर ही हमको तल लेना है। डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं हम, तो शैलो फ्राई ही कर रहे हैं, और तवे पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, नॉन स्टिक से ज़्यादा तवे पे अच्छे बनते हैं। ये कबाब जो है आप 15 दिन तक भी रख सकते हो, बिल्कुल टेस्ट ख़राब नहीं होता है, और जब आपको चाहिए जब आप उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से उलट पलट के सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी देख रहे हैं आप, धीमी आँच पर ही सेकना है, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं करना है, वरना जल जाएंगे। सारे सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये कबाब हमने सेक लिए हैं, और ये सेक कर हम साइड में हटा देते जाते हैं, ताकि क्या हो कि इसका तेल भी निथर जाए, और ये जो है अच्छे परफेक्ट हो जाए। तेल पूरा निथर गया और बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अभी से हम थोड़ी देर में डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हाँ, तो नाज़रीन, हमारे ये कबाब जो है मटन शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप अपनी दुआओं में यह शामिल रखें। मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।